हिंसा की जिस आग में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली जल रही है, आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हिंसा की चिंगारी भड़की और कैसे ये एक इलाके से दूसरे इलाके में फैलती चली गई, आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। 22 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे धीरे धीरे CAA के विरोध में महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई। महिलाओं ने स्टेशन के नीचे एक तरफ की सड़क को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे की सड़क बंद हो जाने से ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ा, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से सड़क खोलने को कहा। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लोगों से CAA के समर्थन में मौजपुर चौक पर जमा होने की अपील की। CAA समर्थकों की भीड़ के बीच कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया, पुलिस को 3 दिन के भीतर सड़क खुलवाने का अल्टीमेटम दिया। भाषण के बाद हिंसा होने लगी, दोनों ओर से पत्थर चलने लगे और अब तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कहा जा रहा है अगर कपिल मिश्रा जाफराबाद नहीं गए होते तो शायद माहौल नहीं बिगड़ा होता, हालात ऐसे नहीं बने होते। जाफराबाद को दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, एक एक करके सड़कों, गलियों, बाजारों और मोहल्लों को खोने के लिए तैयार रहिए, चुप रहिए जब तक आपके दरवाजे तक न आ जाए, तब तक चुप रहिए। ये भाजपा नेता कपिल के ट्वीट के शब्द हैं। दिल्ली के जाफराबाद मौजपुर इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के लिए सड़क घेरी गई थी, मंच बनाया जा रहा था, ये भीड़ सब कुछ बंद कर देगी। ये ट्वीट के साथ कपिल मिश्रा ने एक और ट्वीट 23 फरवरी को दोपहर में किया था और लोगों से जुटने की अपील की। क्या अपील थी जाफराबाद के जवाब में? बता दें, कपिल मिश्रा 1-2 दिनों से जाफराबाद में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए प्रदर्शन के बारे में ट्वीट कर रहे थे। खबर है कि इसके बाद मौजपुर और जाफराबाद इलाके में नागरिकता कानून के समर्थन में भीड़ जुटने लगी। तारीख 23 फरवरी दोपहर 3:00 बजते जाफराबाद में CAA के समर्थक और विरोधियों की भीड़ जमा हो गई। कपिल मिश्रा भी पहुंच चुके थे। इसके बाद कपिल मिश्रा ने 3:56 पर एक और ट्वीट किया, सड़कों पर बीवियां बिठाने से CAA वापस नहीं होगा, और फिर नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। इसके बाद कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को एक अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन के अंदर अगर जाफराबाद और चांदबाग की सड़कें खाली नहीं हुई तो फिर हमें मत समझाइएगा, क्योंकि फिर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। आप खुद कपिल मिश्रा का यह वीडियो सुनिए। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है, CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा दीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। इसके बाद शुरू हुआ हिंसा का दौर, दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे, मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। 24 फरवरी को फिर हिंसा हुई और धीरे धीरे ये आग आसपास के इलाकों में फैलती चली गई। पेट्रोल पंप सहित कई गाड़ियों और कई दुकानों में आग लगा दी गई। पेट्रोल बम का भी प्रयोग हिंसा में जमकर किया गया। 2 गुटों के बीच जमकर पत्थर चले। हिंसा की शुरुआत किसने की, कहां से हुई, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और शायद कभी होगी भी नहीं। खुलेआम फायरिंग भी दोनों तरफ से हुई है। एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक युवक खुलेआम पिस्तौल लहरा रहा है और फायरिंग कर रहा है। इस युवक का नाम शाहरुख बताया जा रहा है। हिंसा में एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की भी मौत हुई है और 5 नागरिकों की भी। हिंसा में कई आम लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या पता नहीं चल रही है। एक फुरकान के मारे जाने की खबर है। किसकी वजह से भीड़ और उग्र हुई, इसकी भी अभी तक पुष्ट जानकारी नहीं है। सूत्रों के हवाले से दी जा रही खबरों की विश्वसनीयता भी उतनी ही है जितनी एक वीडियो के छोटे से टुकड़े की। पूरी बात को जानना मुश्किल हो गया है।
पत्थर फेंकने की योजना कहां बनी, ये जानने की बात है। किसी के कैमरे में कोई आ गया है और न्यूज चैनल में वही दिखाया जाने लगा है और इससे और नफरत फैल रही है। हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती, उकसाने पर भी नहीं। किसने गोली चलाई, किसको गोली लगी, किस तरफ से गोली चली, कितने लोगों को चोट आई, इसकी कोई सूचना नहीं है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या कपिल मिश्रा के भाषण को उकसाने वाला भाषण माना जाएगा। कोई प्रदर्शन कर रहा है, उसके सामने अपनी टोली ले जाकर हटाने की राजनीति में हमेशा टकराव की आशंका होती है। और ये क्या चलन है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई दूसरा लाठी डंडा लेकर आ रहा है प्रदर्शन हटवाने, और उकसाने पर जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया है उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन पूछिए कि कपिल मिश्रा ने ये क्यों किया, उन्हें इतनी सी बात का पता नहीं था कि प्रदर्शन को हटाना और बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी ऐसे वीडियो को फोटो को साझा ना करें जिससे आक्रोश पनपे। देश को ये सोचना होगा कि उसे इस वक्त दंगाइयों और भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं से दूर रहने की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर आपको इसमें थोड़ा भी अगर मगर लगे तो अपने महान देश के पॉवर्टी इंडेक्स, लिबर्टी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स हैं, उस पर देश की स्थिति देख लीजिए और उसके बाद ये कोई भी भीड़ में हो, कोई कानून का समर्थन कर रहा हो या विरोध, भीड़ में किसी से भी बात कीजिए और इनके तर्क, इनकी नीयत और इनके कर्तव्य देख लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC News हिंदी।